हमारा टीकमगढ़ में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ जिले से। आइए देखते हैं जमील खान की यह रिपोर्ट। मारपीट एवं गाली गलौज करने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी को सौंपा शिकायती आवेदन। टीकमगढ़ शहर के कुवनपुरा रोड पर रहने वाले गल्ला व्यापारी जमुना प्रसाद असाती पुत्र रमेश प्रसाद असाती ने एसपी रोहित काशवानी को विगत दिनों गल्ला मंडी में प्रांगण में गाली गलौज व मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जमुना असाती ने एसपी को दिए शिकायती आवेदन में उल्लेख करते हुए बताया कि मैं मंडी धोगा पर अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी आशीष साहू, राकेश साहू व संजय सोनी निवासी बड़ा गांव तिगैला मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने व प्रिंस साहू एवं धनीराम साहू निवासी धोगा मंडी, संजय सोनी निवासी दाल मिल के सामने टीकमगढ़ एवं रामसेवक सहित 6 लोगों ने आकर गाली गलौज करते हुए धमकी दी और कहा कि ग्वालियर वाले व्यापारी श्याम अग्रवाल को माल नहीं बेचना क्योंकि उनसे अभी तक हमारा लेन देन बकाया है। तब जमुना प्रसाद ने कहा कि हमें लेन देन से कोई मतलब नहीं है। साथ ही इन आरोपियों ने ट्रक में लदे माल को उतरवाने के साथ ही मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए ये सभी लोग भाग गए। जमुना ने आगे बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी मगर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जमील खान, टीकमगढ़। हमारे यहाँ 22 तारीख को हमला हुआ था, हमने उसका वीडियो बनवाया था। मैं क्लेम किया उसको 7 लाख कैसे देना है उसके बारे में। उन लोगों का उस समय 22 तारीख को हमारा कोतवाली में समझौता हो गया, उनको हमने 7 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद ये आशीष साहू नाम का जो लड़का है और वो राजेश साहू हैं, इनके नाम ये भी पेपर में कोर्ट के द्वारा जो निकली है उसका व्यक्ति द्वारा लोगों ने उनसे बुलाया कि तुमने क्यों दी, तो हमने कि वो हमारा काम नहीं है, उसी दिन की विज्ञप्ति है। तो ये सभी लोग साहू समाज के, जैसे राजेश साहू यहाँ के मंडी के अध्यक्ष हैं, तो ये सामूहिक सामाजिक अपना सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। उसके खिलाफ उन्होंने कल हमारे SDM साहब महोदय जी को दिया आवेदन कि इनका मंडी से लाइसेंस निरस्त किया जाए, इनका मंडी में खरीदी बंद किया जाए। व्यापारिक लड़ाई झगड़ा है और बाकी ऐसी कोई आशीष साहू का हमने पैसा दे दिया, हम सबूत है, लड़ाई झगड़ा हुआ हम उसका भी आपको सबूत दे रहे हैं, वो भी हमारे पास सबूत है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें गाली गलौज, तो वो आप देख कौन है आशीष जी? वो आशीष साहू जी हैं, वो जो यहाँ के व्यापार मंडी के अध्यक्ष हैं वो भी साहू जी हैं, उसका सामाजिक रूप से वो उसका सहयोग कर रहे हैं। क्या राजीनामा के लिए दबाव बना रहे हैं क्या व्यापार से? राजीनामा के लिए दबाव बना, इसीलिए ये लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं जी। क्या चाहते हैं? ये कह रहा व्यापार नहीं करो, व्यापार करो तो हमारे हिसाब से करो, राजीनामा कर दो। हमने भी राजीनामा, हम क्या उसी दिन हमने FIR करा दी, हमें थोड़ी कराना है। गाली गलौज की क्या आपने कहीं आवेदन दिया है? हमने सर 22 तारीख को, 25 तारीख को दिया। कहाँ कहाँ दिया? SP में दिया, जन सुनवाई में दिया, कलेक्टर साहब के दिया, कोतवाली में दिया। तो क्या उसी के जवाब के लिए ये लोग जी आपका लाइसेंस नष्ट कराने के लिए आवेदन दे रहे हैं? हाँ, उसी के लिए। मैं तो भैया यहाँ पे जन्मे से काम कर रहा हूँ, जब से इनका जमुना सिर्फ का लाइसेंस बना है तब से ऐसा कोई विवाद नहीं है। आज मंडी है, थोड़ा बीच में होता भी रहता है लेन देन का, कुछ नहीं रहता उसमें, बाकी पेमेंट इनका सब क्लियर होता है। वो जो माल बिकता है रोज पेमेंट इतना हो जाता है। अब कभी रात की 11 बज जाए या 12 बज जाए तो आज का कल जरूर, सब व्यापारियों का होता, तुम इन्हीं का नहीं, वो सब व्यापारियों का है ही रिकॉर्ड। तो जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि व्यापारियों का पैसा नहीं दे रहे, भावना भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीव माल ज़्यादा खरीद रहे हो, लोगों को कम मिल रहा हो? तो बोला ना कि कोई आपसी दुर्भावना भी हो सकती है। तो क्या देश भावना की वजह से इनको ज्ञापन दिया है? आरोप लगाने वाले विधानसभा